संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज सभी राज्यों में किसानों की ओर से पहले से ही प्रदर्शन का ऐलान किया गया था और कहा गया था कि वे इसको लेकर अपने अपने एरियो में भाजपा सांसदों के घर पर घेराव करेंगे और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। इसी को लेकर चंडीगढ़ में अलग अलग संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया है, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इसको लेकर सांसद किरण खेर के घर का घेराव किया जाना था, लेकिन सांसद साहिबा ने बीमार होने के कारण किसान संगठनों की ओर से भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन के घर की ओर कूच किया गया और किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखी, जिन्होंने पहले ही एरिया की बैरिकेडिंग कर रखी थी और किसानों को संजय टंडन के घर की ओर नहीं जाने दिया, जिससे गुस्साए किसानों ने वहीं डेरा डाल लिया और धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उनकी ओर से कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई और कहा गया कि आज के ही दिन 5 जून को यह काले कानून संसद में लाए गए थे, जिसका वह विरोध करते हैं। अज भारतीय किसान यूनियन वालों सद्दा लाया गया सी, जिन्हें भी बीजेपी के नुमाइंदे ने उन्होंने घर के बाहर 5 जून नू यानी कि अज के दिन काले कानून पार्लीमेंट च लिया गए सी। अज 5 जून नू बीजेपी के नुमाइंदे के घर के बाहर काले कानून साड़े जाने ने, पर चंडीगढ़ का नुमाइंदा किरण खेर है, बट किरण खेर अज बॉम्बे च बीमार बैठी है। साडे च इंसानियत है, असी किरण खेर का नहीं कोई तंग करना, बेचारी बीमार है। इस करके अच्छा संजय टंडन के घर के बाहर असं काले कानून साड़न आए हैं। तो जो भी भारतीय किसान यूनियन वालों अगों भी कोई सद्दा आएगा, नौजवान किसान एकता चंडीगढ़ इदा ही उन्होंने साथ देगी। आज 5 जून को ये जो काले कानून थे ये पार्लियामेंट में आए थे और ये काले कानून और हमारे संयुक्त मोर्चे की कॉल है कि आज पाँच को हमारे सभी MLA MPs के घरों के आगे ये काले कानून बर्न करेंगे। शायद इन्ना लोगों की जमीर जाग जाए जे असी इन्हों के घर के अगे साड़ते हैं। किरण खेर का घराव करना सी, पर किरण खेर नू कैंसर हो गया, वह बीमार है। साड़ी जमीर सानू अलाउ नहीं करती कि एक बीमार व्यक्ति का घराव करो, जिवें मोदी साडे लोगों ना कर रहा, असी उदा का नहीं करना। असी संजय टंडन के घर के अगे काले कानून साड़ांगे ते संजय टंडन नू लानतां पाउने आ कि शर्म करो, रोटियां तां तुसी भी खाने आ ते आटा वह साडे किसान ही दिंदे आ जिहड़ियां रोटियां तुसी खाने आ। शर्म करो, तुहाडे देश का किसान अज जिहड़ा इन्नी बुरी हालत दे विच आ और तुसी हजे भी मोदी का साथ दे रहे हो, ये मोदी सानू कि थोनू भी मांझ के रख दूगा जी। सर जदों कोई आवाजां चकूगा ना उहदे ते लाठीचार्ज भी होगा, सब कुछ होगा, पर असी ये चीज़ कहने कि चंडीगढ़ प्रशासन साडे नाल आ, असी पीसफुल प्रोटेस्ट करते हाँ और साडे नाल कदी इदां दा नहीं होया। जिहड़ा ये डंडा चलाउंदी है सरकार लोगों के उत्ते, जिन्ना ये डंडा साडे उत्ते चलाऊगा असी फुट फुट के उन्ने बाहर नूं आवांगे। असी इन्हां दे डंडे तों डरदे घरां दे विच नहीं वड़दे कदी भी। अज सर संयुक्त किसान मोर्चे वालों कॉल सी भी 5 जून नूं यह बिल लिआंदे गए सीगे, अज 5 जून है, 5 जून नूं क्रांति दिवस के रूप च मनाया जाए। तो उहदे लई जिहड़े भी अपना बीजेपी के लीडर है उन्हां दे नेता दे दफ्तरां ते घरां दा घराव कीता जाए। इस करके असीं अज संजय टंडन जी दी कोठी दा घराव कर रहे हैं ते काले कानूनां दी कापियां फूकांगे जी। देखो सुप्रीम कोर्ट ने मामला रोका, कानून नहीं रद्द करे। किसान ये कह रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो कह रही है भी असी 2 साल वास्ते 2.5 साल वास्ते रोक लगने, सानू रोक नहीं चाहिए, सानू कानून रद्द चाहिए ने। जो सुप्रीम कोर्ट कह देगी असी कानून रद्द करते, ये भारत की सरकार कह देगी कानून रद्द करते, असी ये प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। बॉर्डर के किसान बैठे ने, वो कोई उन्होंने शौक नहीं उत्थे बैठन का भी उत्थे बैठन जाके 6-6 महीनों तो बैठे ने, तुसीं जाके उत्थे आम पब्लिक देख के आवे, उत्थे मीह झक्कड़ नेरी आ तूफान आया, उन्होंने टेंट उड़े ने, उन्होंने उत्थे किन्ना माड़ा हाल है, फिर भी वो डटे ने। क्यों डटे ने? क्योंकि उन्होंने अपना आने वाला अगला फ्यूचर दिख रहा है कि साढ़े बच्चों का की हाल होगा।
अज जे असी इन्हां नाल ना लगे जेड़ा असी अज 10 रुपए किलो चीज खा रहे हैं तुहानूं इह जदों गोदामां दे विच कॉर्बेट सट दे कैद हो जाणी है तुहानूं 2-2.5 सौ रुपए नूं मिलनी है। तुसी इह अपना खाण नूं अगर तैयार हो तां सरकार दा साथ दो। अगर तुसी 10 रुपए चीज खाण जांदे हो तां तुसी पर अपना किसान दा साथ दो। मैं सबनूं इह बेनती करना चाहुंदा। आज मेरे को सवेरे बताया गया कि मेरे घर में किसानों की कोई जत्थेबंदी यहाँ पे घेराव करने आ रहे हैं। जैसे ये मालूम हुआ तो कुछ हमारे पुलिस के बंधु यहाँ पर आए हुए थे। मैंने उसी समय अपने लोगों को बोल के यहाँ चाय पानी लस्सी बिस्किट का इंतज़ाम कराया, यहाँ पे कुर्सियाँ लगवाई, टेबल रखवाया कि भाई किसान भाई आ रहे हैं, कुछ पुलिस के भाई आ रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। तो उस दृष्टि से मैंने यहाँ पर प्रबंध किया। लेकिन जो जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट करते हैं किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी पार्टी का हर सदस्य, हमारी सरकार का हर सदस्य उस काम के लिए उनके साथ बैठ के बातचीत करने को तैयार है और बातचीत कई स्तर के ऊपर हुई भी है। लेकिन अब कोई बातचीत से उठ के चले जाएं, सरकार का कहना है कि हम इसको कानून को अगले 2 साल तक इसको निरस्त कर देते हैं, आप इसके ऊपर डिस्कशन करिए, आप लाइए क्या इसमें मुश्किलाते हैं, हम उनको दूर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उसको ज़िद पकड़ के उसको ऐसे बना लिया और अब उसके अंदर किसान कम और कुछ ऐसे तत्व उसके अंदर आ गए हैं कि जो सिर्फ एक इस समय को बुनाना चाहते हैं। मैं सब लोगों से मिलने को तैयार था, मैं यहाँ पर मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, कोई भी अगर मिलना चाहता है तो मैं उसको मिलने के लिए तैयार हूँ, बातचीत करना चाहते हैं बातचीत करने को तैयार हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे नेताओं के ऊपर डंडे बरसाए, कुछ लोगों ने उनके कपड़े फाड़े, कुछ ने गाली गलौज किया, घर वालों को तंग किया। ये तो कोई व्यवस्था नहीं है ना लोकतंत्र में। अगर उनको अपना धरना देने की आज़ादी है तो मेरे को और मेरे घर वालों को भी आने जाने की उनकी भी आज़ादी है। और उनके ऊपर कोई इस तरीके से कोई व्यक्ति आके अटैक करे, वो कहीं प्रोग्राम में जाते हैं कुछ करते हैं, मेरा सिर्फ इतना ही मानना है कि जहाँ तक उनकी समस्या का संबंध है उसके बारे में बैठ के विचार करें और कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में ना लें। सर, जिस तरह से मैंने उनसे बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो जब तक तो इंतज़ार करें जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाएगी। लेकिन उनका कहना है कि मोदी सरकार पहले इस तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे तब हम वापस किसान यहाँ पर आएंगे, इसको किस नज़र से देखिए। कोई भी आदमी का डिमांड करने का, अपनी डिमांड रखने का उनका हक है, लेकिन लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार पार्लियामेंट के अंदर फैसला करती है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के फैसला हुआ, उसके अंदर बैठ के सारी चीज़ का, उसके जो बिल पास किए गए ये बिल को इस ढंग से वापस नहीं होते, उसके बारे में चर्चा होती है। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत का निवारण किया जाए। लेकिन अगर आप यही सोचो मैं ना मानूं, ऐसे कभी समस्याओं का हल नहीं होता। ठीक है।
रहे सा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।